नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि SST है उसको हम पढ़े कैसे। तो देखिए दोस्तों, जिस तरह से मैंने शुरू कर रखा है उस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मेरी सिंधु घाटी सभ्यता वाली जो पूरी यूनिट है वो कंप्लीट मैंने कर दी। जो दूसरी यूनिट है मौर्य साम्राज्य अशोक का धम्म वाली, वो कंप्लीट हो गई। अगली जो तीसरी यूनिट है दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य, वो चल रही है। तो मैंने पहले क्या किया दोस्तों, ऐसे पार्ट लिख लिए कि कौन कौन से पार्ट है वो पढ़ने हैं। जैसे दिल्ली सल्तनत है उसमें RBSC का 7वीं क्लास का 19वां पार्ट, या RBSC की किताब ऊपर नीचे हो ना, जैसे किसी के पास 2018 की हो या 2019 की हो तो उसमें पार्ट अलग हो सकता है। लेकिन पाठ मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से मेरी किताबों में जो पाठ संख्या थी वो मैंने लिख ली। RBSC कक्षा 10 का पाठ 2, NCERT कक्षा 7 का पाठ 3-5, NCERT कक्षा 12 का पाठ 5। तो ये दिल्ली सल्तनत के सारे पाठ आ गए। इसी तरीके से मैंने मुगल साम्राज्य एवं राजपूत मुगल संबंध, मुगल प्रशासन की व्यवस्था, पृथ्वीराज चौहान, इसके सारे के सारे जितने पाठ हैं वो लिख लिए। अब देखिए, जैसे पीछे के मैंने इसमें दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य कक्षा 7 का मैंने कंप्लीट कर दिया, कक्षा 7 का कंप्लीट कर दिया, 8 का कंप्लीट कर दिया, 10वीं क्लास है ये चल रही है, ठीक है। तो 10वीं क्लास के अंदर जैसे मुझे आज इसमें से मुगल साम्राज्य और दिल्ली सल्तनत के टॉपिक पढ़ने हैं तो इस तरीके से कंप्लीट होंगे। जैसे ये दूसरा पार्ट है तो इसमें देखिए ये दिल्ली सल्तनत दे रखी है, ठीक है। तो ये दिल्ली सल्तनत कंप्लीट हो जाएगी, इसी में आगे है वो मुगल साम्राज्य दे रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ा जाता है, कोई तोड़ नहीं है, कोई अलग तरीके से कोई नहीं पढ़ता है, यही किताबें पढ़नी पड़ेगी इस तरीके से, ठीक है। ये मुगल राजपूत संबंध आ गया आपका, तो इस तरीके से SST है वो आपको तैयार करनी है। लास्ट में आपको छोड़ देना है ये दक्षिणी साम्राज्य आ गया तो ये यहाँ से आपको छोड़ देना है मराठों का इतिहास। तो ये आपको पता होना चाहिए क्या छोड़ना है क्या नहीं छोड़ना है, वो तो आपको पता होगा तभी आप छोड़ पाओगे, नहीं तो आप पूरे पाठ पढ़ोगे तो वो तो आपको सिलेबस ध्यान में रहेगा तो आप उस तरीके से पढ़ते जाओगे। तो ये SST दोस्तों इसी तरीके से पढ़ी जाएगी, एक एक यूनिट आप कंप्लीट करते जाओ। हाँ, अर्थशास्त्र वाला पोर्सन है, जब तक ये कंप्लीट होगा तब तक कोई गाइड आ जाएगी तो वो वहाँ से तैयार हो जाएगा, ऐसे ही संविधान वाला है वो वहाँ से तैयार हो जाएगा। बाकी ज्योग्राफी और ये इतिहास आप इन किताबों से तैयार कर सकते हैं, NCERT और जो RBSC की किताब है इनसे। तो यही तरीका है दोस्तों पढ़ने का, सब लोग इसी तरीके से पढ़ते हैं। आई होप ये आपके समझ में आया होगा कि किस तरीके से SST उसको पढ़ना है।